गाइस, आज हम फिर से इमोजी से सॉन्ग्स के नाम गेस करेंगे। तो पहली वाली इमोजी देखिए और सॉन्ग के नाम गेस कीजिए, और आंसर समझ में आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आंसर को कमेंट कीजिए। ये बादल गरज रहे हैं जिसे हम खड़कना भी बोलते हैं, यानी खड़के, और ये है ग्लास। तो गाना है खड़के ग्लास। यस गाइस, यही है वो गाना। क्या आप लोगों ने गेस कर लिया था? तो मुझे लाइक करके बता दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। गाइस, आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक तो बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से एक लाइक करके बता देना। तो अब ये सेकंड वाली इमोजी देखिए और सॉन्ग के नाम गेस करके बताइए। ये वाला तो बहुत इजी है। आई थिंक आप लोगों को इमोजी देख के तो आंसर समझ में आ ही गया होगा। तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। यस गाइस, ये है दिल का टेलीफोन और ये है गाना। ये वाला गाना आप लोगों ने सुना है ना, बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था ये वाला। इसकी मूवी तो सुपर हिट हुई थी और अब तो इसका पार्ट 2 भी आ चुका है। आप सबने तो इसे जरूर देखा होगा। तो अब ये थर्ड वाले सॉन्ग का नाम गेस करके बता दीजिए। ये वाला सॉन्ग भी पुराने सॉन्ग का ही रीमेक है, लेकिन इनके सिंगर्स बिल्कुल सेम ही है, इसी वजह से ये वाला गाना भी बहुत चला है। तो जल्दी से इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिए। यह टिप टिप बरसा पानी। तो चलो गाइस, अब ये फोर वाला सॉन्ग भी गेस करके बता दो। ये वाला भी आप लोगों के लिए बहुत इजी होना चाहिए, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। यस गाइस, ये है दिल और ये है बार, तो मिला देने पे बन जाता है दिल बर। लगता है सभी लोगों ने कमेंट कर दिया था, क्योंकि बहुत लोगों को ये वाला सब पसंद है। चलो फिर ये वाले इमोजी से आप लोग गाने का नाम गेस करके बताओ। ये वाला भी बहुत इजी है, आप लोग तो इमोजी देख के बता ही दोगे। क्या ये आप लोगों ने गेस कर लिया था? क्योंकि ये है एक और ये है चुम्मा। यस गाइस, ये वाला सॉन्ग हाउसफुल 4 में है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो ये वाला सॉन्ग आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो अब ये नेक्स्ट वाला सॉन्ग गेस करके बता दीजिए। तो चलिए आप लोगों को एक हिंट दे ही देते हैं। ये वाला सॉन्ग नोरा फतेही का ही है, जो बहुत ही ज्यादा सुपर हिट हुआ था। यस गाइस, ये डांस कर रहा है, मींस नाच, और ये पॉइंट कर रहा है अपनी ओर, यानी मेरी, और ये है क्वीन यानी रानी। तो नाच मेरी रानी। क्यों गाइस, आप लोगों को मजा आ रहा है ना? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों का अभी तक कितना स्कोर हुआ है। तो अब ये नेक्स्ट 7 वाले सॉन्ग को गेस करके बता दीजिए। ये वाला भी आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा गेस करना। बस पहली वाली इमोजी को देख करके अच्छे से गेस कर लीजिए कि इसने क्या पहना हुआ है। बाकी चारों सभी इमोजीज का आंसर सेम ही आएगा, तो जल्दी से गेस कीजिए। बहुत सही गेस किया आप लोगों ने, क्योंकि यह है कुर्ता पजामा काला 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 काला। यस गाइस, आप लोगों ने ये गाना शायद सुना होगा।
वैसे तो ये वाला सॉन्ग कुछ खास नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये वाला सॉन्ग भी पसंद आ ही गया था और बहुत सारे लोगों ने साथ इस पे रील्स भी बनाई थी। आप लोगों को ये सॉन्ग कैसा लगा था कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आप लोग ये 8 वाला सॉन्ग बता दो जो बहुत इजी है, तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट कर दो। यह है गेंदा फूल, ये तो आप लोगों ने बता ही दिया होगा। गाइस मुझे तो ये गाना बहुत पसंद आया था, आप लोगों को कैसा लगा था कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अभी नेक्स्ट वाले सॉन्ग को भी अच्छे से देखिए और गेस कर लीजिए, काफी इजी है ये भी। Yes guys, गुड़ी चॉकलेट। गुड़ी तू चॉकलेट, लेड लेड मेरी कपकेक। ये ब्यूटीफुल सॉन्ग टोनी कक्कर ने गाया है, आप लोगों ने तो इसे भी जरूर सुना होगा। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वाले सॉन्ग की तरफ। ये वाला सॉन्ग भी कुछ साल पहले आया था जो बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था। मुझे देख के तो आप लोगों ने एक बार में ही इसे गेस कर लिया होगा। Yes guys, लगे 440 वोल्ट। लगे 440 वोल्ट छूने से दर। ये वाला सॉन्ग भी बहुत पॉपुलर हुआ था। तो चलिए अब हम ये लास्ट वाली इमोजी भी देख करके सॉन्ग का नाम गेस कर लेते हैं। इस गाने में सेम वर्ड को दो बार हिंदी में और दो बार इंग्लिश में बोला गया है। अगर आप लोगों को आंसर समझ में आ जाए तो कमेंट में जरूर बता दें। Yes guys, यह धीमे धीमे। एक ही वर्ड को कितनी बार रिपीट किया गया है, ये भी टोनी कक्कड़ का ही सॉन्ग है, आप लोगों ने इसे भी जरूर सुना होगा, ये भी बहुत चला था। इन सब में आपको कौन सा सॉन्ग पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको कौन सा ग्रेड मिला ये भी जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वाली वीडियो भी जरूर देख लेना गाइस।